नए जगन्नाथ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाएंगे। ऐसे में सिर्फ 3 ट्रेन होने से यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है। टिकट में वेटिंग होने से यात्री परेशान हैं। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। पुरी जाने के लिए रायपुर रेल मंडल ने अभी तक स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त कोचों की सुविधा नहीं दी है। हर साल प्रदेश के कोने कोने से रथ यात्रा में शामिल होने के लिए ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ धाम लाखों श्रद्धालु जाते हैं। इधर इस रूट के लिए फिलहाल दुर्ग पुरी एक्सप्रेस सहित 3 ही ट्रेनें हैं। पुरी में रथ यात्रा में शामिल होने और वहां भगवान के दर्शन के लिए अधिकांश दर्शनार्थी 15 दिन पूर्व ही रवाना हो जाते हैं। इसके अलावा रथ यात्रा के 3-4 दिन पहले भी लोग जाते हैं। इधर पुरी रूट पर जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग 150 से भी अधिक हो गई है। रथ यात्रा के दर्शन का संकल्प लेने वाले यात्री इसके लिए जाएंगे ही, चाहे उन्हें जनरल कोच या वेटिंग टिकट का ही क्यों ना सहारा लेना पड़े। अभी स्पेशल ट्रेन की भी योजना नहीं है। पुरी के लिए हमारे पास रेगुलर ट्रेन है, दुर्ग पुरी है, अहमदाबाद पुरी है, सूरत पुरी है, और दुर्ग पुरी में हमारे पास कोच लगाने की भी सुविधा है। तो जैसे ही वेटलिस्ट बढ़ेगा, हम रोज वेटलिस्ट मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे ही बढ़ेगा तो उसमें उसका कोच लगा देंगे। आपको हम बता दें कि रेलवे प्रशासन ने जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ने पर कोच की संख्या में वृद्धि करने की बात कही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि पुरी जाने वाले यात्रियों को हर साल में सीट की सुविधा दी जाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह रेलवे प्रशासन यात्रियों को पुरी तक सुविधा देने में सफल साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। और अब जाकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के परिणाम जारी किए हैं। अब तक परिणाम जारी नहीं होने से परीक्षार्थी परेशान थे। पूरक परीक्षा में पात्रता पाने वाले परीक्षार्थी 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी निर्धारित समय सारिणी के मुताबिक आखिरकार पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के परिणाम जारी कर दिए। परिणाम देखने के लिए मंडल की वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं। जिन परीक्षार्थियों को परिणाम के बाद पूरक परीक्षा की पात्रता मिली है, वे परीक्षा में शामिल होने के लिए 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के बाद दोनों कक्षाओं से 45,000 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। 7 से 25 जुलाई तक पूरक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। पूरक परीक्षा में 10वीं के लिए 51,146 और 12वीं में 34,800 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बार हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2018 में 33,828 विद्यार्थी फेल हुए थे और 29,104 विद्यार्थियों को पूरक की पात्रता मिली थी। पूरक और फेल परीक्षार्थियों की संख्या 63,000 है। कक्षा 10वीं की परीक्षा में 26,227 परीक्षार्थियों को पूरक की पात्रता मिली और 96,937 फेल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। बाल श्रमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने राजधानी में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही उन्हें शासकीय विभागों में संविलियन करने की मांग की। हमारी संविलियन उसी सरकार का। हम सब एक। बाल श्रमिक विद्यालय कर्मचारी संघ ने राजधानी में धरना दिया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एकजुट हुए, जिन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। इन कर्मचारियों की माने तो सन 1996 से प्रदेश में बाल श्रमिक बच्चों के लिए विद्यालय खोले गए, जहां बाल श्रमिक बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। सन 2014 में अचानक सरकार ने सभी विद्यालयों को बंद कर दिया। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें शासकीय विभागों में संविलियन किया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। इसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। सर, हमारी जो स्कूल है बाल श्रमिक स्कूल है और ये सर 1996 से संचालित थे और इसमें हम लोग टोटल 1345 कर्मचारी हैं। तो इसको अभी अचानक 2014 से बंद कर दिया गया है और केंद्र सरकार ने आदेश पत्र जारी किया है कि हमको 4 विभागों में संविलियन किया जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ हमें आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिला है। हम जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है, तो हम उन 4 विभागों में संविलियन चाहते हैं। इन कर्मचारियों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन करते रहने की चेतावनी दी है। आपको हम बता दें कि ये कर्मचारी लगातार आंदोलन कर अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी।
रायपुर प्रेस क्लब में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। इस मौके पर पदाधिकारियों ने मीडिया कर्मियों का विकास करना पहली प्राथमिकता बताई। इस दौरान सभी ने पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। रायपुर प्रेस क्लब में रविवार को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल थे। वही विशेष अतिथि के रूप में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव शामिल हुए। इसी तरह कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने मीडिया कर्मियों के विकास में अहम भूमिका निभाने की बात कही। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि प्रेस क्लब की जो गौरव और गरिमा है रायपुर प्रेस क्लब की, उसको बनाए रखेंगे और प्रेस क्लब का नाम पूरे देश में और दुनिया में वो बढ़ाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। समारोह में मीडिया जगत से जुड़े लोग समेत राजनीतिक और समाज सेवी संगठन के लोग शामिल हुए, जिन्होंने पदाधिकारियों को बधाइयां दी। साथ ही मीडिया कर्मियों का राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने की अपील की। आपको हम बता दें कि पिछले दिनों रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव हुआ था, जहां अध्यक्ष दामू अम्बेडारे, महासचिव प्रशांत दुबे, उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर, कोषाध्यक्ष सगुप्ता शीरिन और संयुक्त सचिव अंकिता शर्मा, गौरव शर्मा निर्वाचित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। श्याम नगर में बनी नई पानी टंकी को मेन राइजिंग लाइन से जोड़ दिया गया है। जल्द ही 3 वार्डों को पानी टंकी से स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसे लेकर नगर निगम और PHE के अधिकारी जुटे हुए हैं। मिशन अमृत के अंतर्गत नवनिर्मित श्याम नगर पानी टंकी से मेन राइजिंग लाइन को जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही टेस्टिंग शुरू हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो 15 जुलाई को 3 वार्डों की जनता को साफ स्वच्छ पानी मिलना शुरू हो जाएगा। बीते 3 दिन से 12,000 मीटर पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है, जो 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। यह बहुप्रतीक्षित पानी टंकी 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। महापौर ने कहा कि श्याम नगर पानी टंकी के पूरी तरह प्रारंभ होने पर क्षेत्र में जल संकट का स्थायी समाधान हो जाएगा और बड़ी समस्या दूर कर ली जाएगी। श्याम नगर में जो टंकी बनी है 36 लाख लीटर की, उसको राइजिंग लाइन से चार्ज किया जाएगा। जल्दी से श्याम नगर में एक जो हमने नई टंकी बनाई है, वहाँ से उस क्षेत्र के लगभग 3-4 वार्डों को पानी की दिक्कतें थी, वो दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने लगभग 12,000 मीटर से ज़्यादा पाइपलाइन लगभग 3 वार्डों में बिछाया है। तो राइजिंग लाइन को चार्ज करने के लिए हमने वो सप्लाई बंद की है। कल परसों तक के घंटे घंटे में उसको कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकर की व्यवस्था की गई है। एक टाइम पानी बंद रहेगा, लेकिन दूसरा टाइम पानी शुरू हो जाएगा। PHE के अधिकारियों को महात्मा गांधी वार्ड की पाइपलाइन को अगले एक सप्ताह के भीतर चार्ज करके वहां वार्ड में आ रहे गंदे पानी की समस्या को प्राथमिकता बनाकर गंभीरता से एक सप्ताह में दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में वार्ड की जनता को मोतीबाग पानी टंकी से जल आपूर्ति की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री प्रवास के दौरान गिरफ्तार कर जेल में कैद कर दिया गया था। अब जाकर सभी कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया है। इससे नाराज आम आदमी पार्टी ने राजधानी में धरना दिया, जहां उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही सरकार को तानाशाह बताया। पार्टी के माने तो लगातार राज्य सरकार आम जनता को परेशान कर रही है। वहीं आम जनता की समस्या को उठाने वालों को जेल में कैद कर दिया जाता है। ऐसे में सरकार के खिलाफ प्रदेशवासियों में नाराजगी व्याप्त है। हम लगातार यहां पर देख रहे हैं कि अगर कोई अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए धरने पर बैठता है या संवैधानिक तरीका का अपनाता है, तो सरकार उसको ताकत से दबाने की कोशिश करती है। अभी तात्कालिक रूप से 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने हमको बहुत उद्वेलित किया। एक, आप पार्टी के लोग 14 तारीख को प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे, हवाई अड्डे में अपनी बात कहने, अपना ज्ञापन देने के लिए गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया गलत तरीके से। और केवल गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि 15 दिन के लिए उनको जेल में ठूस दिया गया और जेल में भी उनके साथ व्यवहार
मानवीय व्यवहार नहीं किया गया, अपराधियों से ज्यादा खराब व्यवहार उनके साथ किया गया। किसी भी राजनीतिक दल के साथ चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इस प्रकार की व्यवहार को सहन नहीं किया जा सकता। और चलते चलते एक नजर फिर बुलेटिन की इस वक्त की सुर्खियों पर। विधानसभा सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने की करेगी पुरजोर कोशिश, कांग्रेस ने विधानसभा सत्र की तैयारी कर ली पूरी। प्रशासन ने बघेल की जमीन स्कूल समिति को दी, बघेल ने सीएम कलेक्टर और भाजपा पर लगाया फंसाने का आरोप। रथ यात्रा में शामिल होने पुरी जाएंगे लाखों श्रद्धालु, लेकिन एक भी स्पेशल ट्रेन नहीं। विधानसभा अध्यक्ष अग्रवाल ने दी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं। अब आप देश टीवी के सभी कार्यक्रम व समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए देश टीवी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।